लैपटॉप मास्टर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त सुशांत आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो और एक नए लैपटॉप के साथ। जी हाँ, आज मैं बड़ा एक्साइटेड हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक धमाकेदार लैपटॉप। जी हाँ, अगर कहेंगे लैपटॉप में सबका बाप, जी हाँ, एनवीडिया 4060 ग्राफिक्स के साथ ओमेन सीरीज 17 इंची लैपटॉप। जी हाँ, एचपी ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना ओमेन में 17 इंची लैपटॉप 4060 ग्राफिक्स के साथ। ये देखिए, आज हम इस लैपटॉप को अनबॉक्स करेंगे, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इसका रिव्यू करेंगे। और हाँ, वीडियो में बहुत धमाके होने वाले हैं। ये 1,60,000 रुपए का लैपटॉप आपको बैक पैनल ओपन करके भी दिखाएंगे। जी हाँ, ओमेन गेमिंग लैपटॉप का बैक पैनल। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। बहुत धमाकेदार वीडियो होने वाली है, धमाकेदार लैपटॉप है, बहुत बड़ा लैपटॉप है। इसमें आपको सारी वैरायटी मैं आपको बताऊंगा जो एचपी ने लॉन्च करी है। इसके साथ 3 लैपटॉप लॉन्च किए हैं, 3 सेम कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा बहुत अपडाउन है, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, कहीं मत जाइएगा, साथ में बने रहिएगा। और अभी तक अपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे लेटेस्ट लैपटॉप्स की वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। ये वाला मॉडल जो हमारे पास है, ये है CM2003TX। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर CM। इसमें ओमेन ने, एचपी ने 2 लैपटॉप और लॉन्च किए हैं, CM2002TX और CM2005TX। 2002TX है और जो 2003TX है, दोनों में सब चीज सिमिलर है, सिर्फ और सिर्फ एक हार्ड डिस्क और स्क्रीन के रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है। जो आज हमारे पास है 2003, इसमें 1 TB की हार्ड डिस्क है, लेकिन इसमें आपको 165 हर्ट्ज की स्क्रीन मिलती है। और 2002 में, अगर देखिए, कंपनी ने थोड़ा सा चेंज किया है कि अगर आपको स्टोरेज ज्यादा चाहिए, आप 1 TB की ले लीजिए, उसमें 165 हर्ट्ज की स्क्रीन मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको स्टोरेज कम से कम चल जाता है 512 GB से, तो आप 512 GB जो 2002 TX है आप वो ले लीजिए। उसके अंदर आपको जो रिफ्रेश रेट है, जो स्क्रीन का, वो 240 हर्ट्ज की स्क्रीन मिलती है उसमें। तो इन दोनों लैपटॉप्स के अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है। और प्राइसेस की भी बात कर लेता हूं, मोस्टली हम लास्ट में प्राइसेस की बात करते हैं, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूं, जो आज 2003 TX हम ओपन करने जा रहे हैं, उसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 है। और 2002 जो 512 SSD के साथ आएगा, लेकिन 240 हर्ट्ज की स्क्रीन के साथ आएगा, उसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,55,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। जो तीसरा लैपटॉप है CM2005TX, वो ग्राफिक कार्ड के साथ, एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड के साथ लॉन्च किया है, एक्स्ट्रा इन द सेंस इसके अंदर 4060 8GB का ग्राफिक्स है, तो उसके अंदर 4070 8GB का ग्राफिक्स है, साथ में उसका स्क्रीन भी 240 हर्ट्ज की है। अगर आपको थोड़ा सा ग्राफिक ज्यादा चाहिए तो आप 4070 ग्राफिक्स के साथ जा सकते हैं, और वो आपको CM2005TX में मिल जाएगा। ये 3 मॉडल में ये डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और आज ओपन करेंगे हम 2003TX को। लैपटॉप का बॉक्स ही इतना बड़ा है, हैवी लैपटॉप है। मैं बता दूं आपको, ये लैपटॉप अप्रोक्सीमेटली 2.9 kg का है। देखते हैं लैपटॉप के अंदर है क्या क्या। अरे बाप रे, ये इसका एडेप्टर है। एक तो पावर कोड, ये तो नॉर्मली जो सब में आती है वही पावर कोड है। अगर ये लैपटॉप पे टूट गया तो लैपटॉप ही टूट जाएगा। ये देखिए दोस्तों, 330 वाट का एडेप्टर आपको इसमें मिलता है। ये एडेप्टर ही मैं कहूं तो 1.5 किलो का तो ये एडेप्टर ही है, लेकिन हाँ, टाइप सी एडेप्टर नहीं है, नॉर्मल एडेप्टर है। लैपटॉप को ओपन करते हैं। जी हाँ, निकल आया ओमेन। हैवी लैपटॉप है, जिस हिसाब से मशीन, जितनी पावरफुल मशीन है, तो डेफिनेटली लैपटॉप थोड़ा सा हैवी होगा ही है। 17.3 इंच की इसकी स्क्रीन है और 4.60 का ग्राफिक्स है। चलिए पहले इसको हटाते हैं, फिर देखते हैं लैपटॉप। तो दोस्तों, लैपटॉप का अगर हम ओवरव्यू देखें,
तो मैं आपको वेट पहले ही बता चुका हूं, उठाने में ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने जमाने का लैपटॉप उठा लिया, जैसे पहले हैवी आते थे। ठीक है, अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो काफी हैवी है। देखिए 17.3 इंच की स्क्रीन है, तो अगर आप इसको प्रेस करके देखेंगे, जितनी बड़ी स्क्रीन होती जाती है उतना ज्यादा प्रेस होता है, अगर उसके हिसाब से भी बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत बेटर है। अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो देखिए कितना बड़ा कूलिंग वेंट दे रखा है इसके अंदर। यहाँ पे दो फैन है, एक ये हम अभी लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करेंगे तब आप देखिएगा। साथ में इसमें यहाँ पे भी आप वेंटिलेशन देखेंगे, यहाँ इस साइड भी, और आप अगर देखेंगे तो दो साइड कूलिंग वेंट आपको और मिलते हैं इसके अंदर। इसकी जो रबड़ है, आप रबड़ ग्रिप देख रहे हैं, जो बैक साइड में रबड़ है उसकी जो ऊंचाई है वो भी ज्यादा है। नॉर्मली जो बहुत लाइट रबड़ आती है, अगर आप इसको लैपटॉप को रखेंगे नीचे तो नीचे काफी स्पेस है इसके, जो आपका ईटिंग होगी वो इजीली बाहर निकल जाएगी। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को ओपन करते हैं। लैपटॉप मैं अगर देख रहा हूं तो इतनी बड़ी स्क्रीन 17.3, अगर आप वर्क करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आप डेस्कटॉप पे ही वर्क कर रहे हैं। दोस्तों इसको लैपटॉप को ऑन करते हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, इसको ऑन करते हैं। इतने आपको लैपटॉप की हम जो साथ में पोर्ट्स हैं पोर्ट्स दिखाते हैं और उसके बाद लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। बात करेंगे पोर्ट्स की, तो सबसे पहले लेफ्ट साइड में जो आपको पोर्ट दिखाई देंगे वो दो पोर्ट हैं यूएसबी के, यूएसबी टाइप ए, जो नॉर्मली यूएसबी ही होते हैं वो दो पोर्ट है। साथ में आपको कूलिंग वेंट दिखाई देगा। राइट साइड में अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला पोर्ट आपको दिखाई देता है वो पावर अडेप्टर का है लैपटॉप को चार्ज करने के लिए। दूसरा पोर्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो RJ45 कनेक्टर है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर नेट की स्पीड बहुत ज्यादा चाहिए होती है, इसलिए गेमिंग में हमेशा RJ45 ईथरनेट पोर्ट जरूर मिलता है, वो इस लैपटॉप में भी दिया हुआ है। साथ में आपको दिखाई देगा यूएसबी टाइप ए, दो पोर्ट हमें दूसरी तरफ दिखाई दिए थे लेफ्ट साइड में, दो एक पोर्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक पोर्ट है जो नॉर्मल लैपटॉप्स में नहीं आता, मिनी डिस्प्ले पोर्ट, जो आपको ओमेन गेमिंग लैपटॉप में मिलता है। फिर आपको मिलेगा HDMI 2.1, आपका प्रोजेक्टर या एलईडी टीवी कनेक्ट करने के लिए। साथ में आपको दिखाई देता है टाइप सी, उसके बाद आपको दिखाई देगा एक 3.5 mm का ऑडियो जैक, उसके बाद आपको एक पोर्ट और दिखाई देगा मीडिया कार्ड रीडर का। इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है 4-zone RGB बैकलिट के साथ। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, बहुत हैवी प्रोसेसर है, इंटेल कोर i7 13th generation 13700HX प्रोसेसर है इसकी। अगर हम मैक्सिमम टर्बो पावर की बात करें तो 157 वॉट की है। इसकी बेस स्पीड 2.1 गीगाहर्ट्ज है और मैक्सिमम क्लॉक स्पीड आपको इसमें मिलेगी 5 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम बात करेंगे कोर्स की तो 16 कोर का प्रोसेसर है, 8 कोर इसके परफॉर्मेंस कोर है, 8 एफिशिएंट कोर है। लॉजिकल प्रोसेसर की बात करेंगे 24 लॉजिकल प्रोसेसर है और L3 कैश इसके अंदर 30 MB है। जी हाँ, 30 MB L3 कैश आपको इसमें मिलती है। मेमोरी की बात करते हैं, 16 GB रैम आपको मिलती है इसमें DDR5, जिसकी स्पीड 4800 MHz की है। दो स्लॉट इसमें दिए हुए हैं, दोनों ही यूज्ड है, यानी 8-8 GB की इसमें दो रैम लगी हुई हैं। डिस्क की बात करेंगे 1 TB SSD आपको इसमें मिलती है, जिसकी कैपेसिटी 954 GB होती है, आपको 954 GB वर्किंग कैपेसिटी आपको इसमें मिलेगी। वाईफाई की बात करेंगे, इसमें वाईफाई आपको 6E AX211 और ब्लूटूथ 5.3 मिलता है इसके अंदर आपको। अगर हम ग्राफिक्स की बात करेंगे, ग्राफिक्स इसके अंदर 8 GB का RTX NVIDIA 4060 आपको मिलता है। ये 4000 सीरीज में NVIDIA ने इस साल लॉन्च किया है। इसका डेडिकेटेड ग्राफिक्स 8 GB है, RTX 4060। दोस्तों इस लैपटॉप की अगर हम देखें तो इसकी स्क्रीन काफी मेन है। इसकी स्क्रीन अगर हम बात करेंगे तो QHD स्क्रीन है, जिसका रेजोल्यूशन 2560:1440 है। रिफ्रेश रेट की बात करते हैं 165 Hz की है। 3 ms रिस्पॉन्स टाइम है। IPS डिस्प्ले आपको इसमें मिलता है माइक्रो एज के साथ। एंटी ग्लेयर आपको इसमें मिलेगा, लो ब्लू लाइट इसमें आपको मिल जाती है। अगर हम निट्स की बात करेंगे तो 300 निट्स और 100% sRGB रेशो के साथ आपको इसकी स्क्रीन मिलती है। कैमरे की बात करेंगे तो इसमें HP ने 720p HD कैमरा दिया है विद टेम्पल नॉइस रिडक्शन के साथ और इंटीग्रेटेड डुअल एरो डिजिटल माइक्रोफोन के साथ आपको इसमें मिलता है। तो दोस्तों समय आ गया है लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करने का, तो चलिए ओमेन न्यूली लॉन्च लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते हैं।
देखते हैं इतनी हैवी मशीन, इतनी बड़ी मशीन में एचपी ने क्या क्या फिट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों हमारा बैक पैनल ओपन हो गया है, चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको देखने से ही लग रहा होगा क्या मशीन है। देखिए ये दो बड़े बड़े फैन हैं इसके अंदर, ठीक है आप फैन देख रहे होंगे। यहां एक प्रोसेसर है और एक ग्राफिक के साथ ये दोनों अटैच हैं। ये जो आप दिखाई नहीं दे पा रहे आपको, इसमें एक प्रोसेसर है और एक आपका ग्राफिक्स है और दोनों इतने बड़े फैन के साथ अटैच है क्योंकि हीट बड़ा करता है, इसीलिए इतने कूलिंग वेंट इसमें दे रखे हैं। हीटिंग का पूरा इंतजाम एचपी ने इसमें कर रखा है इस मशीन के अंदर। हम बात करेंगे रैम की, तो रैम आपको दिखाई दे ही रही है, 8-8 GB की दो रैम लगी हुई है DDR5, आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने SSD एड ऑन करनी है तो मैं आपको बता दूं ये वाला एक SSD का स्लॉट है वो खाली है, यहां पे 1 TB SSD आपकी लगी हुई है। अगर आप SSD अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप एक SSD और एड ऑन कर सकते हैं। यहां पे आपको Wi-Fi 6E आपको दिखाई दे जाएगा जो लगा हुआ है। ये इसकी बैटरी है जो 6 सेल की बैटरी है और 83 वर्क आवर्स के साथ HP ने इसमें दी है। आप यहां देखेंगे B&O के स्पीकर्स यहां पे लगे हुए हैं दोनों जगह। आज हमने ओपन किया ओमेन CM2003TX NVIDIA ग्राफिक्स के साथ 4060। तो दोस्तों अगर आप इसमें वर्किंग की करोगे तो इसमें क्या नहीं हो सकता। आप गेमर हैं, आप 4K एडिटिंग करते हैं, कुछ भी करना चाहें, हमने इसके अंदर वेलोरेंट चला के देखी है, जबरदस्त, मतलब कहीं भी आपके फ्रेम पर सेकंड में आप फ्रेमिंग के अंदर कहेंगे आप कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए गेमर्स हैं वो खुद समझ सकते हैं कि अगर आप NVIDIA GTX 4060 के साथ लैपटॉप ले रहे हैं, QLED आपको इस पे मिल जाती है, 165Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट आपको इस पे मिलता है। अगर आपको 240 लेना है तो आप CM2002 ले लीजिएगा, उसके अंदर SSD जरूर 512 है लेकिन रिफ्रेश रेट आपका बहुत ज्यादा है। HP इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 SL देता है और अगर आप ऑफिस की बात करेंगे तो ऑफिस 2021 होम एंड स्टूडेंट एडिशन आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। देखिए अगर आप इसकी प्राइसिंग देखेंगे, इसका प्रोसेसर देखेंगे और इसका ग्राफिक्स देखेंगे तो आप नोट करेंगे अभी तक जो 3050 Ti ग्राफिक्स आ रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली 1.5-1.5 लाख रुपए के आपको मार्केट में मिलते थे। HP ने इसका प्राइसिंग बहुत कम रखा है। अगर मैं आपको ये कहूं 240Hz की स्क्रीन के साथ और 512 GB के साथ आपको 1,55,000 में मिल जाएगा, वो भी RGB ग्राफिक्स के साथ, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब ये प्राइसिंग कोई भी मैच नहीं कर सकता अभी तक। देखिए मैं इस लैपटॉप के लिए और क्या कहूं, ये बिल्कुल फुल्ली लोडेड मशीन है। आप ऐसी कोई भी वर्किंग या कोई भी ऐसा काम करना चाहें आप इसमें कर सकते हैं। आप इसकी रैम अपग्रेड करना चाहें, देखिए 16 GB की रैम है इसमें, रैम अपग्रेडेशन की भी आपकी ऑप्शन है, आप चाहें तो 32-32 GB की दो रैम भी आप लगा सकते हैं। इस मशीन में सिर्फ एक ड्रॉबैक मुझको दिखाई देता है, वो है वेबकैम का। मतलब मैं तो यही कहना चाहूंगा इससे अच्छा तो वेबकैम देते ही नहीं। देखिए इतनी हैवी मशीन, कम से कम 5 MP का कैमरा जरूर होना चाहिए था इसमें, वही 720p कैमरा जो पहले 30,000-40,000 की मशीन में आता है वही इसमें भी HP ने दे दिया है। एटलीस्ट 5 MP का कैमरा तो हो जाना चाहिए था। प्राइस मैं आपको शुरू में बता ही चुका हूं, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, जो CM2002TX मशीन है जो 512 GB ग्राफिक्स, 512 GB SSD के साथ और 240Hz स्क्रीन के साथ आती है, उसकी प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 1,55,000 है। ये लैपटॉप जो हमने आज ओपन किया है जिसकी SSD 1 TB है और रिफ्रेश रेट 165Hz है, जिसका मॉडल नंबर CM2003TX है, उसकी प्रिसिंग अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 है। और थर्ड मशीन जो CM2005TX जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड का फर्क है, जो 40708GB NVIDIA GTX आपको ग्राफिक्स मिलता है, उस वो प्राइसिंग की अगर हम बात करेंगे उसमें रिफ्रेश रेट भी 240Hz है, उसकी प्राइसिंग की बात करेंगे तो 1,85,000 के आसपास HP ने इसकी प्राइसिंग रखी हुई है।
1 ईयर ऑन साइट वारंटी एचपी आपको इसकी देता है। अगर आप वारंटी एक्सटेंड कराना चाहें तो आप करा सकते हैं, एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन भी लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कहीं कमी रह गई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा कि कोई नया लैपटॉप आया है जिसकी वीडियो अपलोड हो गई है। और हम हमेशा कोशिश करते हैं हर लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके दिखाते हैं। ये 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप था, ब्रांड न्यू लैपटॉप था, इसको भी हमने बैक पैनल इसका भी ओपन करके आपको दिखाया। तो दोस्तों अगर आपका साथ मिलता रहेगा हम ऐसे ही लैपटॉप की और वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। जय हिंद।